हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रश कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप के ब्रश आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से शेप्स आपके पास होने चाहिए। और इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिए, क्योंकि ब्रश के बारे में बताने के बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा ब्रश से रिलेटेड, कुछ गुड हैबिट्स बोली जाती है ब्रश में जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपको अच्छी पेंटिंग बनानी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ब्रश के ऊपर डिटेल्स वगैरह बताने के बाद मैं वो टिप आपके साथ अच्छे से शेयर करूं और आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो बेसिकली ब्रश दो पार्ट में डिवाइड होते हैं ऑयल पेंटिंग में, एक होता है नेचुरल हेयर ब्रश, एक होता है सिंथेटिक हेयर। और नेचुरल हेयर में कई सारे एनिमल्स के फर से ब्रशेस बनते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग रेट के अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। तो हम उसकी ज़्यादा थियोरेटिकल नॉलेज में नहीं घुसेंगे, हम सिंपल बात करेंगे। आप समझिए कि एक होता है हार्ड हेयर वाला ब्रश और एक होता है सॉफ्ट हेयर वाला ब्रश। आप स्टार्टिंग में बस इतना समझिए, ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। तो जो हार्ड हेयर वाला ब्रश होता है, उसके जो हार्ड हेयर है वो इसलिए बना है ताकि हम स्टार्टिंग स्टेज में जब कैनवास पे पेंट करें तो ये अच्छे से चल सके, क्योंकि कैनवास काफ़ी रफ सरफेस होता है, काफ़ी हार्ड सरफेस होता है। और उस पर अगर हम सॉफ्ट बाल वाले ब्रश से पेंटिंग करेंगे तो उसके बाल बहुत जल्दी घस जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए बना ये हार्ड हेयर वाला ब्रश। इसके काफ़ी हार्ड होते हैं बाल और ये इजीली स्टार्टिंग स्टेज में पेंट को अप्लाई करने के काम में आता है। तो ये तो हमने बात की इसकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस के बेसिस पे, और अब बात करते हैं कि इसमें कितने सारे शेप्स आते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो चार पांच शेप बेसिक हैं जो आपके पास होने चाहिए। पहले हम बात करते हैं राउंड ब्रश की। राउंड ब्रश राउंड शेप का होता है और ये तब काम आता है जब हमें पेंटिंग से थोड़ी ड्राइंग सुधारनी हो। सपोज़ आपने कोई पेंटिंग की, वो थोड़ी सी उसकी आउटलाइन गड़बड़ हो गई, उसके शेप बिगड़ गए, तो आपको उसकी जो शेप है उसको सही करना होगा, तब आपके काम में आएगा ये राउंड ब्रश। लाइनिंग वर्क, थोड़ी सी डिटेलिंग वर्क, जो इससे छोटे छोटे साइज के राउंड ब्रश आते हैं डिटेलिंग वर्क, तो ये सब राउंड हेयर तब काम आता है। राउंड हेयर के बाद आता है फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश जैसे कि इसके नाम डिपिक्ट कर रहा है, ये फ्लैट होते हैं, इसकी एज जो होती है वो कटी हुई होती है, एकदम स्क्वायर शेप के ये होते हैं और ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। ये हमें बड़े स्ट्रोक्स लेने हो या हमें डिटेलिंग में जाना हो, डिटेलिंग में भी फ्लैट ब्रश बहुत काम आते हैं। इसकी जो छोटी साइज़ आती है 0, 1, 2, ये सब जो छोटे नंबर के जो ब्रश हैं जो बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं डिटेलिंग काम में, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश के बाद हम बात करते हैं फिल्बर्ट की। फिल्बर्ट वो ब्रश होता है जिसकी जो एज होती है वो कटी होती है, ये राउंड जैसे दिखते हैं ऊपर से, और ये बहुत ही वर्सेटाइल ब्रश है। इससे या तो हम फ्लैट ब्रश की तरह एक क्लीन स्ट्रोक ले सकते हैं या हम एक राउंड ब्रश की तरह हम पतली सी लाइन खींच सकते हैं। तो ये बहुत ही काम के ब्रश हैं, बहुत ही वर्सेटाइल ब्रश हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक ऑयल पेंटर के पास होना। और एक ब्रश होता है, उसे कहते हैं हम रिगर। तो रिगर जो है ये बेसिकली राउंड शेप का ही होता है, बस इसके बाल जो हैं वो लंबे होते हैं और ये काफ़ी पतला होता है, काफ़ी पतला। और ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स, जैसे कि आपको हेयर एक हेयर की एक सिंगल सिंगल स्ट्रिंग्स बनानी हो, आई लैशेस बनाने हो, आप एक पोर्ट्रेट पेंट कर रहे हैं उसके लिप्स के बीच की जो लाइन है वो डिटेलिंग, ये जो भी काम है इतना बारीक काम, वो इस रिगर ब्रश होता है। तो ये 3-4 सेट आपके पास होना ही चाहिए स्टार्टिंग स्टेज में कम से कम, बाद में तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, स्टार्टिंग में आपको ये सब शेप्स की ब्रश होने चाहिए। और एक ब्रश होता है वो हम बात करते हैं, वो फैन ब्रश। तो जो फैन ब्रश होता है ये आप देख सकते हैं, ये फैन ब्रश नाम इसका है, फैन की तरह दिखता है ये। और बेसिकली आर्टिस्ट इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं ग्रासेस वगैरह पेंट करने में, लिप्स वगैरह पेंट करने में। तो
ये उस समय बहुत काम में आता है। और इसका एक और यूज़ ये भी है कि अगर आप जब पेंट कर रहे हो और आपने काफ़ी थिक पेंट अप्लाई किया हो और सरफेस बहुत ही अनइवन हो गई हो पेंट के कारण, तो आप इसको यूज़ करके सरफेस को काफ़ी प्लेन या फ्लैट कर सकते हैं, तब ये फैन ब्रश बहुत काम में आता है। तो बेसिकली ये पांच शेप होते हैं जो आपके पास स्टार्टिंग में मस्ट है होने, राउंड, फ्लैट, फैन, फिलवर्ट एंड रिगर। ये सब शेप्स आपके पास होने चाहिए, प्लस इन सब शेप्स में अलग अलग नंबर के ब्रश आपके पास होने चाहिए। सपोज आपने फ्लैट लिया तो फ्लैट के आपके पास छोटे ब्रश भी होने चाहिए, बड़े ब्रश भी होने चाहिए आपके पास, राउंड ब्रश के छोटे बड़े दोनों आपके पास, फिलबर्ट के छोटे बड़े आपके पास, रिगर के तीन चार पीस। तो ऐसे करके आपके पास हर ब्रश के अलग अलग साइजेस के ब्रश होने चाहिए, हर शेप के। तो कुछ जो टिप्स होती हैं ब्रशेस के बारे में और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ब्रशेस की गुड हैबिट्स कही जाती है। सबसे पहली जो टिप है ये कि आप जब भी ऑयल पेंटिंग के लिए ब्रश लो तो उसके हैंडल लंबे होने चाहिए, क्योंकि लंबे हैंडल से हम दूर तक पेंटिंग को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक डिस्टेंस होना चाहिए पेंटिंग और आपके बीच में, ताकि आप अच्छे से पेंट अप्लाई कर सको। जो छोटे हैंडल के ब्रश होते हैं वो ज़्यादातर वाटर कलर के होते हैं, जिसमें हम पास से पेंट कर रहे हैं, हमारी रिस्ट मूवमेंट हो रही होती है। बट ऑयल पेंटिंग में हम थोड़े रफ यूज़ होते हैं, क्योंकि पेंट बहुत थिक होते हैं, इसके ब्रशेस के जो बाल होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो इसमें जो हैंडल है वो लंबे होने चाहिए। दूसरी टिप ये कि आप जब भी पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो कभी भी तीन चार ब्रश को लेके मत बैठो, कम से कम आपको इतने ब्रश आपके पास होने चाहिए कि आपको जो भी आप पेंट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके पास शेप अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि आप दो तीन ब्रश लेके बैठे हो और आपको कुछ कुछ जगह को पेंट करना है, कुछ डिटेल वगैरह देने है और उसके अकॉर्डिंग आपके पास ब्रश नहीं है, और आप ये सोचो कि मुझे फिर से दोबारा जाना पड़ेगा, दूसरा ब्रश लाना होगा। ये सब चीज़ के कारण क्या कई बार होता है कि हमारी पेंटिंग अच्छी बनते हुए भी नहीं बन पाती, क्योंकि ब्रश की कमी होती है हमारे पास उस समय। तो आपको अच्छे से हैंडफुल अमाउंट ऑफ ब्रश भर के पकड़ के पेंट स्टार्ट करना चाहिए। थर्ड बात ये कि आपके पास जो सेट्स अवेलेबल हैं ब्रश के, उस टाइप के सेट बहुत सारे होने चाहिए। सपोज आपको कुछ ब्रश ऐसे हैं जो आपको अच्छे से आपको यूज़ करते बनता है। सपोज ये छोटा ब्रश है, आप इसे बहुत ही कंफर्टेबल हो इसे पेंट करने में, तो आपके पास इस टाइप के ब्रश तीन चार पीस और होने चाहिए, ताकि जब ये ब्रश खराब हो तो उसी समय आपके पास दूसरा पीस अवेलेबल हो उससे पेंट करने के लिए। तो कई सारे जो ब्रश होते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगते हैं पेंट करते समय, उसी टाइप के सेम टाइप के ब्रश आपके पास पहले से दो तीन या तीन चार सेट पहले से और होने चाहिए। चौथी बात, आप जब भी ब्रश लो तो आप देखो कि वो उसके बाल सही है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाल अच्छे होते हैं लेकिन उसकी जो हैंडल होती है वो अच्छी नहीं दिख रही होती। तो वो हैंडल अच्छी नहीं दिख रही होती, इसके कारण वो ब्रश का जो रेट होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसा मत सोचना कि ब्रश का रेट कम है तो ये ब्रश अच्छा नहीं है, वो अच्छा हो सकता है, उसकी जो हैंडल अच्छी नहीं थी उसके कारण उसका रेट कम हो सकता है, हो सकता है उसके बाल बहुत अच्छे हों। तो आप चेक करिए बाल अच्छे हैं कि नहीं और आप ब्रश को ले लीजिए। और सबसे आखिरी और बहुत ज़रूरी बात, आपके पास ब्रश की कमी नहीं होनी चाहिए। आप जितना अमाउंट अपने पास इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी आर्ट मटेरियल्स में, आप कैनवस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप पेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रश, पेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रश स्टार्टिंग स्टेज में और आगे के स्टेज में भी, क्योंकि ब्रश के थ्रू ही हम अपनी जो आइडिया है, हमारी थिंकिंग है, उसको कन्वे कर सकते हैं। हम एक पेंटिंग को बनाना चाहते हैं, वो पेंटिंग किस जगह पे कैसी होनी चाहिए, कैसा आउटकम हम चाहते हैं, उस हिसाब से हमारे पास उस समय ब्रश होने चाहिए। ब्रश हमारे माइंड का एक्सटेंशन है, एक शेप जो हम अपने हाथ को देते हैं, ताकि हमारा माइंड जो मैसेज दे रहा है वो हम अपने हाथ के थ्रू, अपने ब्रश के थ्रू कन्वे कर सकें। तो ये हमारे हाथ का एक्सटेंशन है, तो ब्रश की कमी होनी नहीं चाहिए। ब्रश बहुत सारे होने चाहिए आपके पास। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ कुछ ब्रश हैं जो मैं आपको पकड़ अभी दिखा रहा हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत ज़्यादा ब्रश हैं और आपके पास भी होने चाहिए। और आप ये मत सोचिएगा कि शुरुआत में ही मुझे बहुत सारे ब्रश खरीद लेने हैं,
आप स्टार्टिंग थोड़े ब्रश से कीजिए, धीरे धीरे आप खरीदते जाइए। जब भी आपको मौका मिले, आपको अच्छे ब्रश दिखे, तुरंत उसे खरीद लीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि ब्रश के ऊपर किया हुआ इन्वेस्टमेंट मेरा खराब चले जाएगा, क्या ब्रश वेस्ट चले जाएंगे क्या। ऑयल पेंटिंग में एक टाइम के बाद ब्रश खराब होते ही हैं, आपको नए ब्रश लेने ही पड़ते हैं। तो आपको जब भी अच्छा ब्रश दिखाई दे, आपको लगे कि हाँ ये ब्रश मेरे पास होने चाहिए, तो आप ज़रूर उसे खरीद लें और अपने पास रखें। तो ये कुछ चीज़ थी, कुछ बातें थी जो आपको समझनी है, जाननी है। बाकी जो चीज़ें हैं, जो मतलब चीज बातें हैं और भी डिटेल्स वगैरह हैं, वो आपको पेंटिंग करते हुए समझ आएंगी। तो वो सब चीज़ बताने की नहीं है, जो मुझे बताना था वो मैंने बताया अपने एक्सपीरियंस और जो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट बड़े बड़े और बुक्स के बेसिस पे मैंने ये सब बातें आपको बताई है। तो अगर आपको ये सब बातें पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, बहुत सारी जानकारी आपको मिली, तो आपके जो भी दोस्त हैं, आपके जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं जो पेंट करते हैं, ऑयल पेंटिंग सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ आप ये बातें शेयर करें, ताकि उनको समझ आए कि ऑयल पेंटिंग में ब्रश का होना कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें होती हैं एक ब्रश को संभालने के लिए और ब्रश की केयर करने के लिए। और एक एंड में एक बात ये कि ब्रश की केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ऑयल पेंटिंग में, क्योंकि पेंट के कारण ब्रश खराब होने के चांसेस बहुत हैं। तो मेरी जो एक क्विक टिप वीडियो होगी जिसमें मैंने बताया कि ब्रश को क्लीन कैसे करें क्विकली, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें और उसे भी अपने सब जानकारी मतलब उसको शेयर करें। क्योंकि ब्रश जो हमारे पुराने ब्रश होते हैं उसकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बजाय नए ब्रश लेने के। नए ब्रश आप हमेशा लीजिए, लेकिन पुराने ब्रश को कभी मत भूलिए, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो चुका था उस पुराने ब्रश के साथ, क्योंकि हमने उसे बहुत सारी पेंटिंग बना चुकी होती है, तो हमें पता होता है कि कितना प्रेशर लगाने से कहाँ पे क्या बन रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब हम और नए टॉपिक्स पे बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि और कई चीज़ें कैसी कैसी होती हैं ऑयल पेंटिंग में। सो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।